मध्य प्रदेश के दतिया जिले में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आबकारी विभाग की निरंतर कार्रवाई जारी है। जिला कलेक्टर संदीप माकिन, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, उपायुक्त आबकारी नरेश चौबे एवं जिला आबकारी अधिकारी KL भगोरा के निर्देशन में उन्नाव थाना क्षेत्र के नरगढ़ कंजर डेरा पर आबकारी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 85 बल्क लीटर हाथ भट्टी मदर जब्त की गई है। इसके अलावा मौके से 5 ड्रम और 1000 किलोग्राम लाहन जब्त किया गया है। सैंपलिंग के बाद इस अवैध शराब और रॉ मटेरियल को नष्ट कर दिया गया है। बरामद शराब की कीमत लगभग 1.25 लाख रुपए बताई गई है। इस सिलसिले में 3 कंजनों को भी गिरफ्तार किया गया है। 3 मामले पंजीकृत किए गए हैं। खबर हर पल के लिए दतिया से रनी लेटोरिया की। आज थाना उनाव के अंतर्गत ग्राम नरगढ़ खंडेरा पे एक बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें पुलिस भी साथ में थी। उक्त कार्रवाई में लगभग 85 वर्ग मीटर हाथपट्टी शराब, 1000 किलोग्राम गुड़लाहन बरामद किया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके विरुद्ध 34 एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किए हैं और उपलब्ध समस्त जो उपकरण और शराब की कीमत है वो लगभग 1,20,000 आती गई है।